मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, यूपी यूपी बोर्ड से। और मेरे एक साथ के कुछ है साथी जो हिंदी में ही लिखते हैं, लेकिन उनको हिंदी के साथ कुछ ऐसा, मैं इंजीनियरिंग किया है और मैं मतलब अभी कॉर्पोरेट में भी हूँ, तो लाइक आई फाइंड माई सेल्फ कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल, कि मेरे मेरे जो कॉलीग्स हैं, जो साथ के फ्रेंड्स रहे, वो इस समय कंफर्टेबल थे, मैं इंग्लिश राइटिंग में भी हूँ। तो मेरी भी ऐसा मतलब आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपने भी मतलब आपने उसी चीज को इंक्लूड कर लिया, अलग नहीं किया कि उर्दू है आने दो, मेरे को एक्सप्रेस करना खुद को, इंग्लिश है लैंग्वेज है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो जो एक ऑर्थोडॉक्स है और रूढ़िवादी कि हाँ हम तो भाई हिंदी में ही लिखेंगे, तुम बोल रहे हो दर्पण, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल के निकल गए, तो बोलो ना आप मिरर, वो ही समझ रहा तो वो ही बोलो, क्यों बोल रहे हो संसाधन, शायद वो नहीं समझ पा रहा, बोल दो रिसोर्सेस, वो समझ जाएगा, आपकी बात भी कम्युनिकेट हो जाएगी उसके साथ। तो आई फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस, और आपका मतलब आप हमारे आदर्श हैं इस मामले में, कि आपने उस चीज को ऐसे एक अच्छे स्टेज पर रख दिया कि हाँ दिस कैन बी डन। तो आप इस वे में कैसे मतलब उनको क्या सजेशन देंगे कि कैसे जा सकते हैं आप आगे, और उसको उसके साथ कैसे ना बने रहे, क्योंकि तो भाषा का प्रतिरूप तो समय के साथ बदलेगा ही, और इस चेंज को एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। तो आपका एक क्विक मैसेज उनके लिए क्या है? हाँ, ये सवाल जब भी मेरे पास आता है तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर देखें तो अंग्रेजी में, जैसे अब इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो हाँ, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज हर ऑफिस में, हर जगह। एग्जैक्टली, इट्स दिस इज ऑल्सो बिकम अ सोशल लैंग्वेज बिकॉज इट्स लाइक, अगर आप हिंदी में किसी से बात करें तो ऑकवर्ड ही फील करता है, उसको लगता है कि अंग्रेजी में बात, सो इट हैज बिकम इशू, रीजन फॉर योर प्रेस्टीज एंड योर स्टेटस एंड ऑल दैट। बट इसमें मुझे एक चीज जो समझ में अभी भी नहीं आती कि इवन दो अगर अगर आप भारत में देखें कि अंग्रेजी का इतना ग्लैमर है, लोग बॉलीवुड की फिल्में क्यों देखते हैं? देख रहे हैं ना, और बिल्कुल उसमें सही है, हर तरह की मूवीज भी बन रही है, दे आर एक्चुअली सम काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट इज फिल्थी, राइट? इफ आई कैन से इट्स यस, सम कॉन्टेंट इज नॉट गुड फॉर योर माइंड, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर चिल्ड्रेन, वो भी वो तक चल रहा है बट अच्छा भी बन रहा है और अच्छा भी लोग लिखने कर रहे हैं, और लॉट ऑफ दैट कंटेंट इज इन हिंदी। उसका रीजन ये है कि एक तो कमर्शियलाइजेशन, राइट? सो दे अंडरस्टूड हाउ टू कमर्शियलाइज इट, बट उसका रीजन एक है सिंप्लिसिटी। बिकॉज देखिए, भाषा कहाँ से आती है? अगर आप भाषा के इतिहास को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लैंग्वेज इज ऑलवेज ड्रिवन बाई द सिचुएशनल एंसेस्ट्री, राइट? मतलब आपकी जब पहले, अब कई लोग मुझे कहते हैं, खासकर आजकल वो भी एक एक्सट्रीम चल रहा है ना, आई कीप माई सेल्फ वेरी अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल और एनी काइंड ऑफ डाइवर्जिंग कॉन्वर्सेशंस, वो भी चलता है कि अरे नहीं नहीं यार, तुम तो हिंदी के लिए कर रहे हो, मतलब तुम हिंदी में ही लिखो और शुद्ध हिंदी में करो। एंड माई थॉट हैज बीन दैट, एक साहब हैं विनीत पंछी साहब, अगर आपने उनको कहीं सुना होगा, उनके वीडियोज देखे होंगे, हिंदी में कविताएं कहते हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, ही इज द वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बट मोर देन दैट ही इज अ ग्रेट गाय, आई अप्रिशिएट हिम। और मैंने मेरी उनसे बात चल रही थी और मैंने उनसे ही पूछा था, तो वो भी ऐसे मिक्स करके लिखते हैं, बोलते हैं ना, ही इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी, एंड दैट टर्म आई ऑलवेज कैरी, एंड ही सेड कि हिंदुस्तानी भाषा, वो हिंदुस्तानी भाषा में बोलते हैं ना, हिंदी है ना, उर्दू है ना, अंग्रेजी है ना, अरबी है, इट्स बिकॉज आपकी जो इतिहास है ना, उसके कारण चीजें एम्बेड हो गई हैं कि आप मेरे को कह रहे हैं कि आप उर्दू मिक्स नहीं करें, लेकिन आप खुद बोलेंगे ऐसे, दरवाजा खोल के आ जाओ, हाँ बिल्कुल, है ना? तो दरवाजा वो इज इंग्लिश वर्ड, ओ उर्दू वर्ड, करेक्ट सॉरी उर्दू वर्ड, हाँ करेक्ट। सो नाउ दैट हैज बिकम आवर इनहेरेंट सॉर्ट ऑफ नेचर, आई वुड से, राइट? एंड दैट इज सो एम्बेडेड इन अस दैट द मोमेंट यू ट्राई टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट वन थिंग, देखिए आप शुद्ध हिंदी, प्रगाढ़ हिंदी पढ़िए, लिखिए, इट्स वेरी गुड थिंग, प्रमोट कीजिए, एक्चुअली यू शुड, संस्कृत में लिखिए, मतलब उम्मीद करता हूँ मेरे पास भी इतना वक्त हो मैं उतना कर पाऊँ, करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ लेगेसी फॉर अस, इट्स समथिंग दैट शुड बी प्रमोटेड। बट अगर आपका इंटेंशन, चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, स्केल का है, तो आप कभी भी जब इतना टाइट करेंगे लैंग्वेज को ना, तो आप उसे स्केल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इट्स एंड दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट, राइट? क्या मैं बहुत एक हाई स्टैंडर्ड की शुद्ध सिर्फ हिंदी, जहां पे कोई कुछ गलतियां नहीं निकाल सके, लिख सकता हूँ? हाँ, सीखूंगा, लिख भी सकता हूँ, लेकिन
मैं उस चीज में बहुत ज्यादा ड्रिवन अवे नहीं होना चाहता हूँ. सी आई वांट टू कीप माय फोकस टू द फैक्ट दैट आई वांट टू रीच टू ए स्केल ऑफ पीपल. और उसके लिए जो है चीजों को सिंपल करना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक थिंग्स सिंपल. तो वो मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी अगर लिखता है या कोई स्केल के लिए करना चाहता है, राइट, फॉर अ गुड और बैड पर्पस, व्हाटएवर इट इज, फॉर अ कमर्शियल पर्पस और नॉन कमर्शियल पर्पस, स्केल है, फिर आपको उसकी जो यू नो रेस्पॉन्सिवनेस है, अडेप्टेबिलिटी, उस चीज को थोड़ा फ्लूइड करना पड़ेगा. आप इतने टाइट नहीं हो सकते कि अरे यार तुमने यहाँ नुकता नहीं लगाया तो अब आगे कोई सुनेगा ही, यू नो, फिर आप स्केल तक नहीं पहुंच पाएंगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विथ इट, यू नो. आई मीन अगर आप जिंदगी में आम जीवन में देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, राइट. अगर आप किसी भी चीज को इतना शिफ्ट करें, आप अपनी पर्सनल लाइफ में है, ठीक है, आपकी अगर एक आइडियोलॉजी है, आपको जिंदगी को लेकर एक आइडियोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी हो सकता है, मुझे फलाने चीज को लेकर मेरा ये थॉट प्रोसेस है, राइट, और ये मेरी आइडियोलॉजी. अब जहां आप समाज में, समाज छोड़िए, परिवार में भी या अपने दोस्तों के बीच में, जैसे ही आप रिजिड होते हैं, जैसे ही आप कहेंगे ना कि अरे ये मेरी एक सोच है जिसको मैं बदल नहीं सकता, द मोमेंट यू डू दिस यू विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट. सो रिजिडिटी कॉजेस फ्रिक्शन, राइट. तो किसी भी चीज को लगे जैसे ही आप रिजिड होंगे ना, फिर आप संकुचित होते जाएंगे, आप एक छोटे से बॉक्स में बंद होते जाएंगे. एंड आई डोंट थिंक देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट स्केल दैट यू वांट. बिल्कुल, एक्चुअली वही है कि परिवर्तन को तुम किस तरीके, मतलब अपनी राइटिंग के थ्रू भी शायद तुम परिवर्तन को ही लाना चाह रहे हो, लेकिन उस परिवर्तन को जब आपको बोला जा रहा है कि आप भी परिवर्तित होइए, तो फिर वहां पर आप उस परिवर्तन को मना कर रहे हो कि नहीं, ये परिवर्तन नहीं देखना मेरे को. तो लाइक दैट इज सॉर्ट ऑफ नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ हेल्दी थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट. फिर वहां पर वो फ्रिक्शन होगा ही, जैसा आपने मेंशन किया. बिल्कुल.